हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज़ आर चीज एंड हियर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास सिक्स साइंस चैप्टर नंबर ट्वेल्व दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स ओके सो लेट्स स्टार्ट दीडियो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल की एक साइड पर स्मॉल मेटल कैप होता है एंड अदर साइड पर मेटल डिस्क क्या आप लोगों ने कभी नोटिस करा है कि सेल के एक साइड पर पॉजिटिव साइन एंड अदर साइड पर नेगेटिव साइन मार्क्ट होता है मतलब सभी सेल्स में टू टर्मिनल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल जो मेटल कैप वाला पार्ट होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल एंड मेटल डिस्क वाला पार्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल ओके अब इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है सो so, उसके अंदर केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है एंड जब ये सब केमिकल्स ख़त्म हो जाते हैं तो सेल वर्क करना बंद कर देता है मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है सो एट दैट टाइम हम उसे रिप्लेस कर देते हैं न्यू सेल से ओके okay, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब पर बल्ब के अंदर जो एक थिन वायर प्रेजेंट होता है हम उसे कहते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब एंड ये वो पार्ट होता है बल्ब का जो कि ग्लो करता है ये फिलामेंट जो है वो टंगस्टन मेटल से बना हुआ होता है ठीक है नाउ फिलामेंट दो थिक वायर से कनेक्टेड रहता है जो कि उसे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अच्छा अब जो बल्ब का बेस होता है वो मेटल से बना हुआ होता है जैसे हम कहते हैं मेटल केस ठीक है अब जो ये जो दो थिक वायर्स है उनमें से एक थिक वायर जो रहता है वो मेटल केस से कनेक्टेड रहता है जो कि बल्ब के बेस में होता है एंड जो अदर थिक वायर रहता है वो मेटल टिप से कनेक्टेड रहता है विच इज़ सेंटर ऑफ द बेस ऑफ बल्ब नाउ बेस ऑफ द बल्ब एंड जो मेटल टिप होती है बेस में वो क्या कहलाते हैं दे आर नोन एज दी टू टर्मिनल्स ऑफ दी बल्ब एंड ये जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो ऐसे फिक्स करे हुए होते हैं बल्ब में जिससे वो एक दूसरे को टच नहीं करते या क्रॉस नहीं करते हैं एंड हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ होता है उसका भी ऐसा ही सिमिलर डिज़ाइन होता है जैसा भी हमने डिस्कस करा है ओके अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट जब इलेक्ट्रिक सेल के दोनों टर्मिनल्स बल्ब के दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं उस सेटअप या अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट सो बल्ब तभी ग्लो करता है जब करंट सर्किट से पास होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट पास होता है तो उसके डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड करंट फ्लो होता है ये उसकी डायरेक्शन है एंड जब बल्ब के टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड है किसके थ्रू वायर्स के थ्रू तब वो बल्ब के अंदर जो फ़िलामेंट प्रेजेंट होता है उसके थ्रू करंट पास होता है और उसी के कारण क्या होता है बल्ब ग्लो होता है कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बल्ब फ्यूज़ है तो इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्टेड से होने के बाद भी बल्ब ग्लो नहीं करता है अच्छा तो क्या रीज़न हो सकते कि इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज़ हो जाता है सो so, इसके तो काफ़ी सारे रीज़न्स हैं लेकिन एक रीज़न अभी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है अगर फिलामेंट ब्रेक हो जाए तो भी बल्ब फ्यूज़ हो जाता है मतलब फिलामेंट का ब्रेक होना यानी कि ये थिन वायर है जो कि बल्ब के अंदर प्रेजेंट होता है अगर वो बीच में से टूट जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का पाथ भी टूट गया मतलब बीच में से ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाएगी ओके इसी कारण से बल्ब ग्लो नहीं होगा सो ये क्या है एक रीज़न है जिसके कारण बल्ब फ्यूज़ हो जाता है अब हमारी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है तो चलिए उसे हम डिस्कस करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये बताया गया कि आप स्विच को कैसे बना सकते हैं घर पे। उसके लिए आपको क्या लगेगा दो ड्राइंग पिन एक सेफ्टी पिन या फिर पेपर क्लिप ले सकते हैं आप उसके अलावा टू वायर्स एंड स्मॉल थर्माकुल शीट ले लो या फिर वुडन बोर्ड ले लीजिए नाउ आपको क्या करना है ड्राॅइंग पिन को सेफ्टी पिन के एंड में जो सर्कुलर पार्ट रहता है उसमें फिक्स कर दीजिए ठीक है एंड देन उसे थर्माकोल शीट पर रखिए जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं अब आपको ये देखना है कि जो सेफ्टी पिन का फ्री पार्ट है मतलब जो ये पार्ट है जिसमें हमने फिक्स नहीं करा है ड्राइंग पिन को वो ईजीली रोटेट हो जाए एंड अब जो दूसरी ड्राइंग पिन है उसको भी थर्माकुल शीट पे आप फिक्स कर दीजिए बट ऐसे फिक्स करिएगा कि ये जो फ्री पार्ट है सेफ्टी पिन का वो उससे टच ना हो एंड इस एक्टिविटी में सेफ्टी पिन ही आपका स्विच कवर करेगी अब आपको क्या करना है सर्किट बनाना है सर्किट कैसे बनेगा अभी तक जो भी हमने डिस्कस करा है वो अरेंजमेंट तो ऐसा ही रहेगा एंड उसमें आपको इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब को भी ऐड कर देना है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं अब आप लोग ये देख रहे हैं कि इस अरेंजमेंट में जो सेफ्टी पिन है ये इस सेकेंड ड्राॅइंग पिन से कनेक्टेड नहीं है सो so, जब ये कनेक्टेड नहीं है तो आपका बल्ब भी ग्लो नहीं हो रहा है है ना एंड जब हम सेफ्टी पिन को इस सेकेंड ड्राॅइंग पिन से ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा आपके सर्किट का पाथ कंप्लीट कर रही है मतलब स्विच ऑन है ये वो वाली कंडीशन है ठीक है एंड जब आप आ, इसे कनेक्ट नहीं करेंगे सेफ्टी पिन को सेकेंड ड्राॅइंग पिन से तो इसका मतलब ये स्विच ऑफ वाली कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो पाथ है आपका वो कंप्लीट नहीं है तो ये स्विच ऑफ वाली कंडीशन है ठीक है सो यहाँ पे तो बल्ब ग्लो करेगा और यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं करेगा सो so, इस एक्टिविटी के थ्रू हमें स्विच ऑन और ऑफ़ की कंडीशन बताई गई है मतलब जब अगर इलेक्ट्रिक सर्किट uh, का पाथ कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ऑन नहीं होगा ग्लो नहीं करेगा है ना और जब ऑफ होगा तब क्या कंडीशन होगी वो रिप्रेजेंट करा गया है आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक स्विच इलेक्ट्रिक स्विच तो हम हमारे घरों में देखते ही हैं ये एक ऐसा सिंपल डिवाइस है जो कि सर्किट का जो पाथ है उसे ब्रेक भी कर सकता है और कंप्लीट भी कर सकता है फॉर एग्जांपल आप स्विच ऑफ कर देंगे तो क्या होगा जो सर्किट का पाथ है वो ब्रेक हो जाएगा जिसके कारण लाइट्स ग्लो नहीं कर पाएंगी ओके okay? एंड जब आप स्विच ऑन करेंगे तो वो जो सर्किट का पाथ है वो कम्प्लीट हो जाएगा ज्वाइंट हो जाएगा जिसके कारण लाइट्स ग्लो होगी सो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक स्विच का और अब ये रहा हमारा लास्ट टॉपिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है फॉर एग्जांपल सिल्वर गोल्ड स्टील आयरन एक्सेट्रा एंड इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है इसके एग्जाम्पल्स है वुड क्लॉथ प्लास्टिक रबर एक्सेट्रा अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ये दोनों ही हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं स्विचेस, इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड सॉकेट्स ये सब किससे बने होते हैं कंडक्टर्स से ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल वायर्स प्लग टॉप स्विचेस और जो अदर पार्ट्स या जो बॉडी होती है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस की वो रबर एंड प्लास्टिक इन सब से बनी हुई होती है मतलब इंसुलेटर्स से कवर्ड होती है बनी होती है क्यों क्योंकि आ, हमारी जो बॉडी रहती है वो भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है तो हमें करंट लग जाएगा है ना दैट्स वाई हम उसे जो भी पार्ट को हम टच करेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के तो हमें करंट लग सकता है दैट्स वाई उसे हम इंसुलेटर से कवर करते हैं सो so, जब भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायसेज यूज़ करें तो हमें उसका ध्यान से यूज़ करना चाहिए ओके okay, सो so इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे ओवर होता है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग